बड़े होके क्या बनना चाहते हो? हीरो, साइंस टीचर, क्रिकेटर, एक्टर, सुपरस्टार। पहले बनना था सिंगर, लॉयर, डॉक्टर, पर टेंथ के बाद जब देखा तो फिर चूतिया बनने के अलावा कुछ नहीं बनना था। कपड़े निकाल। अभी मजा आएगा ना भिड़। 200। क्या? अरे अगर ऐसे थोबड़े के लिए भी पैसा देना पड़ा ना तो शक्ल बनाने वाला बुरा मान जाएगा। बात करते ए चिकने, मैं 200 देगी तेरे को। A few moments later। अबे लौड़े, मेरे जितने उधर बाल नहीं उगे ना उससे जास्ती मर्द मेरी जांघों से गुजरे। गजब बेइज्जती है। म्यूजिक कि सरकार का जो अधिकारी है कि गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सावधानी बरतिए, इस पर क्या विचार है आपका? सर कोरोना केस बहुत बढ़ रहा सर, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है सर जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी कह रही है कि जब कुछ जरूरी काम है तभी बाहर आई है, जैसा कि हम आपके हाथ में पासबुक देख सकते हैं, तो क्या जरूरी काम के लिए आए थे आप? जरूरी है तभी तो आए हैं सर जी। तो क्या वैसे काम क्या था आपका? बैलेंस चेक करवाना था। आप भोसड़ी के अंबानी बन गए हो ना तुम, बैलेंस चेक करवाओगे? म्यूजिक पचरंगल, वो लड़की मेरी बहन थी, बाजी थी मेरी, कसम से मैं कसम खा रही हूँ। हम कैसे मान लें? कैसे मान लें? मैं बीबी जी की कसम खा रही हूँ, यहीं मर जाएंगे जिंदे अगर इन पे झूठ बोल दिया। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करें? देखिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, इस सब पे लिखा रहता है यह मौत का कारण है, लेकिन फिर भी लोग उसको खाते हैं। और वैक्सीन पे लिखा है कि आपकी जिंदगी बचा सकती है, लेकिन फिर भी इससे लोग डर रहे हैं। वाह रे वाह, यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन। बोलो जुबा कैसे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गजब बेइज्जती, सही खेल रहे हो एंच, पता है हरामी हो।